हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मेजरमेंट 2 के सेशन में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर उसको बहुत अच्छे से ख़त्म किया, और वहां से जो जो वीवीआई क्वेश्चंस बनते थे, जो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, वो मैंने वहां पे क्लियर किया। तो चलिए, ये आज हम लोग के एक नया यूनिट मेजरमेंट 2 का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सेमेस्टर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको इस तरह से कवर कराते चल रहा हूँ, ताकि आपको जो वीवीआई क्वेश्चन जिस यूनिट से ज़्यादा बनते हैं उसको कवर करके चल रहा हूँ, और जो कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसे यूनिट्स है जो आप खुद से भी पढ़ करके समझ सकते हो, बट कुछ ऐसे यूनिट है जो आप नहीं समझ सकते हो, तो उसको मैं पहले कर रहा हूँ। और आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा, वो किसी ना किसी हर एक यूनिट को मैं जरूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आइए, आज हम लोग का लास्ट यूनिट है, 7 नंबर यूनिट क्या है हमारा, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम, इसको हम लोग शॉर्ट में डैश के नाम से भी जानते हैं। डेटा एजुकेशन सिस्टम, एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिकल पर्पस से। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह ये सब में अलग अलग तरह के बेसिक मतलब की डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग कोई रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। जैसे मेडिकल में आप लोग हार्ट बीट वगैरह ये सब, हॉस्पिटल वगैरह ये सब में गए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को एक साथ यूज किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, तो बातचीत किया मतलब डेटा का ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, डेटा हो गया, डेटा में कुछ हर एक तरह का डेटा आता है, आपका कुछ भी हो सकता है, जिससे फील्ड से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं। जैसे एक मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल का डेटा हो सकता है, वो हार्ट बीट हो सकता है, या फिर जैसे बहुत तरह तरह के मतलब कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब यूज होते हैं, तो वो सारे डेटा को क्या करने का काम करता है, एक्विजिशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होगा जो क्या करेगा, डेटा को वन से दूसरे तक ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद वो फाइल एंड आउटपुट तक बहुत सारे उसमें डिवाइस होंगे, जैसे सिग्नल है, सिग्नल डिवाइस होंगे, और फिर उसमें और भी अलग अलग जिस तरह का हम लोग को जरूरत हो उसके अनुसार अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस लगे होंगे, और उसे ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट मिल पाता है। तो इसमें बहुत सारे डिवाइस मिल करके किसी डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड इंटरैक्शन करते हैं, और इंटरैक्शन करने के बाद जब हमको आउटपुट मिलता है, तो वो जो सिस्टम है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, तो डेटा एजुकेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में डैश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, ये इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, तो एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ डिवाइसेस यूनिटेड बाय सम फॉर्म ऑफ रेगुलर इंटरैक्शन ऑफ एन इंटरडिपेंडेंस। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग टाइप के डिवाइस का यूज करके हम किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कराते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कराते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में देख रहे थे, हमारा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारा एलिमेंट होता था, जैसे माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन के बाद ट्रांसमीटर हो गया, ट्रांसमीटर के बाद मीडियम हो गया, मीडियम के बाद रिसीवर था, रिसीवर के बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर स्पीकर था। तो यहाँ पे देखिए, इतने सारे एलिमेंट थे और एक दूसरे से ये कनेक्टेड थे, और ये क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करा रहे थे, कम्युनिकेशन के मतलब एक डेटा को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करने में, रिसीव करने में ये हेल्प कर रहे थे, इसके हेल्प से हम लोग ये कर रहे थे। तो ये जो हमारा सारे डिवाइस का जो हमारा मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कह दिए क्यों, क्योंकि एक हम पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एक साथ करके इंस्ट्रूमेंटेशन में एक दूसरे से कनेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर वर्क को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी मतलब कि ये जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है हमारा, वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का ही पार्ट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे, और वो एक सीरियली वर्क से जो भी हमको डेटा इनपुट में मिलेगा
उसके जैसा हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिग्नल एंड कंडीशनिंग का काम किया जाएगा और उसके बाद हमको उससे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत ही यूजफुल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक तरह के फील्ड में आपको इसका यूज करने को मिलता है। मेजरमेंट मतलब कि मेजरमेंट करने का प्रोसेस या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो कुछ भी मेजरमेंट होता है वहां पे ये अक्सर यूज किया जाता है। हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स अभी आगे देखने वाले हैं, तो चलिए आइए इसके बाद। तो ये एक दूसरे पे क्या होता है, हर एक जो आपका डिवाइस होता है इस एजुकेशन सिस्टम में, जो भी डिवाइस होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे उसको अगर डेटा इनपुट करने वाला है, जैसे माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन पे डिपेंड है आपका ट्रांसमीटर। अगर माइक्रोफोन से इनपुट ही ना मिले तो क्या ट्रांसमीटर, कोई इनपुट नहीं मिलेगा तो क्या वो वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम लोग किसको भेजेंगे, जो हमारा माइक्रोफोन है वो क्या कर रहा है, एक डेटा को जनरेट करने का काम कर रहा है, हमारे ये जो ऑडिएबल वाला सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो देखिए अगला जो ट्रांसमीटर है उस माइक्रोफोन पे डिपेंड हो गया कि नहीं, अब माइक्रोफोन से डिपेंड मतलब कि इससे उसको इनपुट मिल रहा है, और उसको अगर कैरियर सिग्नल जो कैरियर जनरेटर है वो उससे कैरियर अगर ना मिले तो क्या वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको परफॉर्म कराने का ये वर्क करते हैं। ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ यूनिट और डिवाइस एंड कंबाइंड बाय ए नेचर ऑफ फंक्शन ऑपरेट मूव इन यूनिसन। देखिए इस तरह से ये क्या होते हैं, एक लैब में ये नहीं कि हम माइक्रोफोन को पहले हमको रखना है, फर्स्ट में रखना है। अगर हम फर्स्ट में माइक्रोफोन को ना रख करके कैरियर जनरेटर को रख दें, मतलब कि जहां पे हमको माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं वहां पे हम कैरियर जनरेटर यूज नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है कि एक यूनिट है, हर एक डिवाइसेस का एक यूनिट है, उसको एक प्रॉपर जगह पे ही यूज करना पड़ेगा जहां पे हमको उसका इस्तेमाल करना है। तो एक लैब में इसको एक दूसरे को कंबाइन कर दिया जाता है, किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का हमको जरूरत है, उसके अनुसार से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, और इसको मूव भी कर सकते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उस डिवाइस को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके अनुसार हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटा एजुकेशन सिस्टम वाया एनालॉग सिग्नल आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल एप्लीकेशन। देखिए हमारा जो ये डेटा एजुकेशन सिस्टम है इसका हम लोग वाइडली यूज करें तो हम लोग मेडिकल पर्पस से, मेडिकल एप्लीकेशन में मैंने बताया हार्ट बीट, आप लोग हॉस्पिटल वगैरह सब में गए होंगे तो देखते हैं हार्ट बीट वगैरह सब, फिल्मों वगैरह सब में भी देखा होगा क्या, बहुत सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तब जाके वो हार्ट बीट उसके मतलब की स्क्रीन पे वो शो करता है, घटते बढ़ते कुछ इस तरह से ऐसे 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 चलते रहता है, पल्स कभी जीरो हो जाता है फिर ऐसे होते रहता है। तो ये सारा कैसे हो पा रहा है, तो उसमें देखिए बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सोचिए इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से ये सब जो डिवाइसेस आए ये सब आए जिसके कारण से इतनी आसानी से एक्यूरेट वे में हम लोग किसी चीज को मेजर कर पाते हैं, किसी चीज को आसानी से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल मतलब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा वाइडली यूज है। हम लोगों ने अभी तक देखा इतने सारे ब्लॉक डायग्राम देखे उस समय, तो क्या है सारा ये इंस्ट्रूमेंटेशन का ही पार्ट है, सब में क्या हो रहा है डेटा एक दूसरे से मतलब कि इंटरैक्ट हो रहा है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है और उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट पे पहुंच रहे हैं। तो ये सारा क्या है, तो हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस से देखें, मेडिकल पर्पस में आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है इसको कन्वर्जन और डिजिटलाइज्ड सिस्टम इज वाइडली यूज टूडे बिकॉज कम्प्लेक्स सर्किट आर लो कॉस्ट एक्यूरेट सिंपल इम्प्लीमेंट। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स आया और भी खास करके जब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आया तब से इसका हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं, और अब तो हर एक चीज ये डिजिटल होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो डिजिटल वाला है वो क्या है, लो कॉस्ट पे उपलब्ध है और एक्यूरेट उपलब्ध है, इससे जो भी डेटा हमको मिलते हैं क्या होता है वो एक्यूरेट होते हैं। अब तो देखते हैं पहले क्या होता था, क्या हम लोग डॉक्टर वगैरह ये सब क्या करते थे, पल्स वगैरह ये सब रीचेक करने के लिए क्या करते थे, तो ब्लड प्रेशर करने के लिए वो लगाते थे अपना पाला वगैरह ये सब लगाते थे, वो चेक करते थे। अब तो डिजिटल आ गया, कुछ नहीं वो डिवाइस लगाइए उसमें कोई किस तरह वो सारा मेजरमेंट करके बता देता है। तो ये सारा मतलब कि डिजिटल मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज है। तो इस तरह से हम लोग इसमें कम्प्लेक्स सर्किट वगैरह ये सब के लिए वो लो कॉस्ट पे और एक्यूरेट हमको डेटा देता है, इसलिए इसका हम लोग डिजिटली वे में यूज करते हैं। जैसे कोई भी एनालॉग सिग्नल है तो उसको आगे डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं,
और उसके अनुसार उसका हम लोग वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल वाले सिग्नल को सिग्नल एंड कंडीशनिंग कराने का, उसको आउटपुट कराने का, उसका आउटपुट लेने का, वो सारा क्या है प्रोसेस बहुत ही इजी है और कम्प्लेक्स नहीं है। मतलब कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्किट को भी हम लोग डिजिटल के अनुसार देखे आईसी में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट में। बड़ा सा इतना सर्किट उसको एक आईसी पे, जैसे 8085 आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ ही रहे होंगे, 8086 पढ़ी रहे होंगे। तो ये सब किसका एडवांटेज है? तो ये किलबी साहब का एडवांटेज है, जिन्होंने आईसी का मतलब कि खोज किया और उसके बाद सारा डेटा, मतलब कि बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी हम लोग एक आईसी पे इंस्टॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो डेटा एजुकेशन सिस्टम आर यूज्ड इन मेजर्ड एंड रिकॉर्ड एनालॉग सिग्नल इन बेसिकली टू डिफरेंट वेज। ये इसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, तो हर एक डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस डेटा एजुकेशन सिस्टम में, हर एक डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में। हम लोग को क्या है स्टोरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके अनुसार इसको हम लोग हर एक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं मेडिकल पर्पज से देखा जाए, तो मेडिकल पर्पज में क्या होता है कि जो भी मरीज है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उसका हार्ट बीट को मेजर करता रहता है कि एट ए टाइम हुआ कितने, क्या था इसका पोजीशन, दोपहर में इसका क्या था पोजीशन, अभी शाम को क्या है पोजीशन, पिछले दिनों इसका क्या था, वो सारा रिकॉर्ड में उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद क्या हो गया, तो सिग्नल भीच ओरिजिनेट, मतलब कि इसका हम लोग बेसिकली रूप से देखा जाए तो इससे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और उस डेटा को हम लोग रिकॉर्ड करके रख भी सकते हैं, और इसको जब चाहे हम उसका एनालिसिस करने के लिए कि पहले क्या था अब क्या है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग सिग्नल को ना दो तरह से मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन है, टू वे क्या है जो जिसके अनुसार से हम लोग कोई सिग्नल को मतलब कि जेनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नल विच ओरिजिनेट फ्रॉम डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है हम लोग इसको मतलब कि डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, उसको मतलब कि उसको हम लोग यूज करने के लिए मतलब कि कर सकते हैं, इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं किसे, तो डी सिग्नल्स में भी डीसी सिग्नल हो सकता है, एसी वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है और रेजिस्टेंस हो सकता है। वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के जितने सारे हो गए वो सारा हम लोग इसको डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा एक है सिग्नल विच ओरिजिनेट फ्रॉम यूज्ड इन ट्रांसड्यूसर, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वाले हैं तो उसको तो हम लोग डायरेक्टली वे में उसको मेजरमेंट कर देते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने के लिए यूज करके, जैसे आपका रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर वगैरह यूज कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर यूज कर लेते हैं, वोल्टेज के लिए आप लोग वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं। फिर आपका ये सारा क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली वे में मेजर कर लेते हैं। बट जहाँ पे ये सारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हमारा नहीं रहता है, तो अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर एलिमेंट पढ़ा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके और उसका हम लोग यूज कर ले रहे थे। तो इसमें सेकंड प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर का यूज करके उस नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके और उसका हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम को देखा, इसको हम लोग शॉर्ट में डैश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दो क्लासिफिकेशन है, सिग्नल किस टाइप का है सिग्नल के आधार पर पे हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। तो सिग्नल क्या है हमारा बेसिकली रूप से देखा जाए तो सिग्नल दो टाइप का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो देखिए एनालॉग सिग्नल के आधार पे मतलब कि एनालॉग डैश होता है एक टाइप, और एक हो गया आपका डिजिटल डैश। तो देखिए एनालॉग वाले डैश में क्या होगा, जो भी सिग्नल का यूज किया जाएगा वो सिग्नल किसके फॉर्म में रहेगा, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा ये मतलब कि वेरी करेगा, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और एक कंटिन्यूअस वे में वेरी करेगा, इस तरह से हमारा होता है। तो ये क्या होगा और एनालॉग वाले में, और उसके बाद डिजिटल वाले में क्या होगा, तो डिजिटल वाले में जो भी हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या होगा, वो जो हमारा डेटा बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। किस तरह से इसको हम लोग ऐसे पल्स के फॉर्म में देखते हैं, पल्स के फॉर्म में देखते हैं इस तरह से, तो ये पल्स के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग इस मतलब कि सिग्नल किस टाइप का उसके अकॉर्डिंग इस डैश को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए, पहला हो गया एनालॉग डैश और दूसरा हो गया डिजिटल डैश। तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं इसके टाइप के
बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सब है जहां से आता है। हमेशा क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर में इसको क्वेश्चन को रखिए और यहां से 6 नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा तो वही डिजिटल डैश क्या है इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए और इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो जो क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं बता देता हूँ, वो आप लोग कॉपी पे जरूर नोट कर लिया कीजिए। मैंने फर्स्ट वीडियो से ही मेजरमेंट में बताया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड माइंड में अगर आपने बैठा लिया है कि मेजरमेंट टू बहुत हार्ड है तो ये हार्ड ही आपको लगेगा। आपको देखिए कोई चीज भी है ना सोचने समझने पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। अगर आप पहले ही सोच लोगे कुछ करने से पहले कि मैं नहीं कर सकता, कि आप उसको कर सकते हैं, अपने तो स्टार्ट करने से पहले ही उस पर ताला लगा दिया, तो ये ना सोचे। और अपने आपको मतलब कि जो भी समझ में आता है, मैं तो अपने तरफ से आपको एकदम आपके लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप ऑफ एनालॉग और डिजिटल डैश के बारे में। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा डैश के बारे में, डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। तो इसके दो टाइप होते थे, एक एनालॉग डैश और एक डिजिटल डैश। तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस था कि जो हमारा एनालॉग था वो एनालॉग टाइप ऑफ सिग्नल पे वर्क कर रहा था, और ये जो हमारा डिजिटल वाला है वो डिजिटल सिग्नल पे, मतलब कि उससे हम लोग डिजिटल फॉर्म में आउटपुट वगैरह ये सब ले पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो चलिए आइए अब हम लोग फर्स्ट इसके टाइप जो हमारा एनालॉग टाइप है वो एनालॉग टाइप में कौन कौन से कंपोनेंट होता है, एनालॉग टाइप डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट का क्या वर्क है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, एन एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट। देखिए एक डेटा मतलब कि एक एनालॉग वाले डेटा एक्विजिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, तो वो कंपोनेंट है आपके ये सबसे पहला क्या हो गया, तो ट्रांसड्यूसर, सबसे पहला ट्रांसड्यूसर। इसके बाद क्या है, तो सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। फिर उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट, जो मल्टीप्लेक्सिंग का वर्क करता है। उसके बाद है कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, और उसके बाद है इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में VDD के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है एनालॉग रिकॉर्डर, और उसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर। फिर है हाई स्पीड कैमरा एंड इक्विपमेंट। तो इसमें ये सारे क्या है, ये सब बेसिक एलिमेंट हो गए, बेसिक एलिमेंट ऑफ क्या हो गए, तो एनालॉग डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम के ये बेसिक एलिमेंट हो गए। तो आपको इससे रिलेटेड क्या आएगा, कोई ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सब भी बनाने को आएगा। तो ये सारा देखिए इसका क्या है, मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सब देख लीजिएगा, कोई भी आप लोग गूगल पे सर्च करके कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम उठा लीजिएगा वहां पे, नहीं तो फिर इन्हीं सारे मिल करके क्या है सीरियली वाइज एक ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हो। तो ये इस तरह से ये आपके हो गए मेनली हम लोग का क्या है कि ये बेसिक एलिमेंट है। तो चलिए आइए ये सारे एलिमेंट का क्या वर्क है इस डेटा एक्विजिशन सिस्टम में उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसके लिए हम लोगों ने इससे पहले वाला देखा ही है, हमारा मेनली वर्क क्या कर रहा था, तो ट्रांसड्यूसर कर रहा था। वो क्या कर रहा था, तो नॉन इलेक्ट्रिकल वाले क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। तो वो जो कन्वर्ट करने का काम था वो 2-3 प्रोसेस के द्वारा हो रहा था, अलग अलग तरह के क्वांटिटी को अलग अलग मेथड से हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे उसमें बेसिकली रूप से देखे तो थर्मोकपल, मतलब कि थर्मोकपल के बेस्ड पे, फिर हम लोग स्ट्रेन गेज के फेस पे, फिर फिजो इलेक्ट्रिक डिवाइस के इफेक्ट पे, फिर फोटोसेंसेटिव इफेक्ट पे। तो ये सब क्या है, फिजो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता था, किस तरह से ये इफेक्ट वर्क करता था, और किस तरह से नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। फोटोसेंसेटिव लाइट वाले को हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होता है, हमारे लाइट में एक फोटोन होता है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसमें एक एनर्जी होता है, इस लाइट में एक फोटोन एलिमेंट होता है जो एनर्जी क्रिएट करता है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रेन गेज की मदद से किस तरह से कर रहे थे, थर्मोकपल हो गया, इसके मदद से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल डिवाइसेस होते हैं जिसमें थर्मल से रिलेटेड होता है, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर वाले यूनिट में यूनिट नंबर 5 आप लोगों के मेजरमेंट 2 के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं उसको। तो वहां पे मैंने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे तरह से कवर किया। फोटोसेंसिटिव वाले को हम लोग ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांसड्यूसर तो हो गया। सेकेंड है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। देखिए जब ट्रांसड्यूसर से हमारा आउटपुट मिलता है, जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट मिलता है, उस वाले आउटपुट को उसके नेक्स्ट वाले इक्विपमेंट को चाहिए, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चाहिए। तो उस एलिमेंट को मतलब उसके नेक्स्ट स्टेज के एलिमेंट को ये आउटपुट ट्रांसफर करने से पहले क्या किया जाता है, एक सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो सकता है, तो अलग अलग टाइप का हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ये एम्पलीफायर हो सकता है या रेक्टिफायर हो सकता है, या फिर जिस तरह का हमको नेक्स्ट स्टेज को जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये वाला इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो मान लिया जाए हमको एम्पलीफाई करके आवश्यकता है अगले वाले को, तो वहां पे एम्पलीफायर है। जिस तरह से हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन में देख रहे थे क्या है, तो ट्रांसमीटर वगैरह ये सब में आप लोग देख रहे होंगे, माइक्रोफोन के बाद एक एम्पलीफायर आ रहा था। तो वो एम्पलीफायर क्या कर रहा था, तो सिग्नल कंडीशनिंग का काम कर रहा था, वो नेक्स्ट स्टेज के रिक्वायरमेंट के अनुसार उस वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करने का वर्क कर रहा था। तो इस तरह से ये क्या होता है, तो ये डिजायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज को किस तरह का उसको चाहिए, वो सिग्नल किस तरह के रूप में चाहिए, डीसी में चाहिए, एसी में चाहिए, या फिर उसको हाई वैल्यू में चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड में चाहिए, उस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, ये नीड ऑफ नेक्स्ट स्टेज पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वाला स्टेज किस पे वर्क करेगा, उसके अनुसार हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस का यूज करते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग एक मल्टीप्लेक्सर इक्विपमेंट होता है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मोर देन वन इनपुट को एक सिंगल वाले चैनल के द्वारा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। करने का मतलब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो शेयरिंग मोर मतलब कि शेयरिंग इक्विपमेंट है, डेटा शेयरिंग इक्विपमेंट है। इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल चैनल के द्वारा में मतलब कि वन से अधिक इनपुट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसमें आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट वन होगा और इनपुट में एक से अधिक इनपुट होंगे और उसको एक ही चैनल मतलब कि एक बार में एक ही को ट्रांसफर करते हैं, पर हम लोग इसमें एक ऐसा फैसिलिटी होता है कि एक ही चैनल के द्वारा एक से अधिक इनपुट को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग इस वाले यूनिट में लास्ट में मल्टीप्लेक्सर है पढ़ना, तो वहां पे टीडीएम और एक एफडीएम है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वहां पे इसके टाइप को हम लोग जानेंगे। तो इसको यहाँ पे ये शॉर्ट में समझ सकते हैं इसको इस तरह से, इस मल्टीप्लेक्सिंग को हम लोग डेटा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट। कैलिब्रेटिंग क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, आप लोगों ने मेजरमेंट वन में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा। कैलिब्रेशन में क्या किया जाता था, तो एक कोई यूनिट लेकर के मतलब कि एक स्मॉल यूनिट लेकर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर पाते थे, कैलिब्रेशन कर पाते थे, उसके रेंज को डेवलप कर पाते थे, उसके रेंज को हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते थे, कैलिब्रेशन करते थे, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग देखते थे एक कोई मैप वगैरह ये सब बनाते थे, ड्राइंग वगैरह ये सब में, तो क्या करते थे, एक सेंटीमीटर को इक्वल टू मान लेते थे कि वो 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर कुछ इस तरह से। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलिब्रेशन करने का काम कर रहे हैं। कुछ उसी तरह से हम लोग वोल्टमीटर एमीटर में हम लोग जब मेजरमेंट वन में पढ़े होंगे तो वहां पे मल्टी रेंज वोल्टमीटर पढ़े होंगे, तो उसमें क्या किया जा रहा था, कैलिब्रेशन करके उसके रेंज को डेवलप किया जा रहा था, मतलब बढ़ाया जा रहा था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेशन इक्विपमेंट का यूज करते हैं। प्रीकल मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, हर एक मेजर करने से पहले उस वाले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन किया जाता है, कैलिब्रेट करके उसको देखा जाता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, मतलब ये तो एनालॉग टाइप का है, तो इसको हम लोग मतलब कि एक टेस्ट करने के बाद उसको फिर से कैलिब्रेट करके उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, तो प्री कैलिब्रेटिंग एंड आफ्टर ईच टेस्ट, मतलब इसको हम लोग फिर से कैलिब्रेट करते हैं हर एक टेस्ट करने के बाद। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट का। इसमें हम लोग ज्यादातर मिली वोल्ट कैलिब्रेशन ऑफ ऑल इनपुट सर्किट, जो भी इनपुट सर्किट है उसके लिए मिली वोल्ट
कैलिब्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है संट कैलिब्रेशन ऑफ ऑल ब्रिज टाइप ट्रांसड्यूसर। जितने सारे भी मतलब कि संट कैलिब्रेशन के यूज करते हैं, संट कैलिब्रेशन हम लोग यूज करके जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं जिसमें ब्रिज वगैरह ये सब वाला हो गया, वीटरस्टोन ब्रिज वगैरह ये सब के यूज करके जो भी मेजर वगैरह ये सब करते हैं, तो वहां पे हम लोग संट कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा। देखिए इसमें से आपका ये क्वेश्चन से यहां से बनता है कि व्हाट इज द, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछेगा कि व्हाट इज द एनालॉग डैश सिस्टम, व्हाट इज एनालॉग डैश सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट इट्स एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स है, इसके बेसिक 2-3 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद रखिएगा, लिखने में आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट, ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट के बाद क्या है, तो इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट ये क्या होता है, तो ये हम लोग जहां पे हमको इंटीग्रेटेड टाइप के आउटपुट मिलते हैं तो उसको हम लोग समेशन करने के लिए, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। ये क्या होता है, तो क्वालिटी टेस्ट वगैरह इसके यूज से किया जाता है। इसका एक्यूरेसी क्या होता है, लो होता है, और ये डेंजर होते हैं, मतलब कि ओवरलोडेड कंडीशन में ये डेंजर होते हैं, करने पता ओवरलोडेड कंडीशन में इससे हमको इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका हम लोग मतलब कि इसको हम लोग ओवरलोडेड कंडीशन में ये हम लोग मतलब कि जो भी है सर्किट उसके लिए डेंजर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इसके लिए हम लोग डिजिटल टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें जो इंटीग्रेटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिजिटल टेक्निक पे बेस्ड होते हैं, करने का मतलब डिजिटल टेक्निक जो होता है उसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, वीडीडी। वीडीडी क्या है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, इसका शॉर्ट नेम हम लोग वीडीडी ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो विजुअल मॉनिटरिंग, जो भी डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करने के लिए हमको एक आउटपुट डिवाइस का जरूरत पड़ता है, मतलब कि डिस्प्ले यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो वो डिस्प्ले यूनिट के रूप में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं, तो कह रहा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, न्यूमेरिकल डिस्प्ले, सिंगल या मल्टी चैनल सीआरओ एंड स्टोरेज टाइप ऑफ सीआरओ का यूज करते हैं। मेनली रूप से एनालॉग वाले में क्या है, तो मल्टी चैनल सीआरओ और स्टोरेज टाइप सीआरओ का यूज किया जाता है। तो स्टोरेज टाइप सीआरओ में एक फैसिलिटी क्या होती है कि हम लोग उस डेटा को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए, मतलब कि पहले या बाद के कंडीशन में क्या बदलाव था उसको हम लोग कभी भी एनालाइज करने के लिए उसको हम लोग स्टोरेज टाइप ऑफ सीआरओ में रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनालॉग रिकॉर्डर। एनालॉग रिकॉर्डर क्या होता है, तो एनालॉग रिकॉर्डर जितने भी एनालॉग हैं वो सारे को रिकॉर्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाएगा उसको एनालॉग रिकॉर्डर कहेंगे। जैसे आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी में ट्रांसमिशन लाइन में एक पढ़ा होगा स्ट्रिप चार्ट के बारे में, स्ट्रिप चार्ट के बारे में वहां पे पढ़ा होगा। वहां पे क्या होता था, एक स्ट्रिप चार्ट होता था जिसमें सारे डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जाता था। तो ये इस तरह से ये एक एनालॉग डेटा रिकॉर्डर की तरह ये वर्क कर रहा है। उसके बाद है डूडल से ऑसिलोग्राफ, ये एक इक्विपमेंट है। तो ये देखिए ये जो है ये आपका ये सब जो है मैग्नेटिक टेप है, फिर स्ट्रिप चार्ट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। क्या आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा कि इनमें से कौन है जो कि एनालॉग रिकॉर्डर का टाइप है और इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग डेक वगैरह ये सब हम लोग का था जो पुराना जमाने वाला था, रील वाला था, वो क्या था, मैग्नेटिक टेप पे वर्क करता था। ये इसमें क्या होता है, तो हम लोग स्टोर करते थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुसार, इसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर पाते थे। उसके बाद कह रहा है सीआरओ विथ फोटोग्राफी इक्विपमेंट, सीआरओ विथ फोटोग्राफी इक्विपमेंट। सीआरओ में भी क्या होता है, स्टोरेज टाइप ऑफ सीआरओ होता है जिसको हम लोग क्या फोटोग्राफी के इक्विपमेंट के से रिलेटेड इसमें जो भी होता है उसको हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज टाइप में भी, डेटा को स्टोर करने में भी। जैसे ये जो हमारा सिग्नल होता है ऑप्टिकल टाइप का सिग्नल, मतलब कि एक सीआरओ क्या है, आउटपुट यूनिट है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जिसको हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, फोटोग्राफी टाइप का हो गया इक्विपमेंट। उसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का क्या वर्क है, तो देखिए ये जो डैश है वो क्या कर रहा है, आपका एक तरह से एक ट्रांसड्यूसर की तरह ही वर्क नहीं कर रहा है। कहने का मतलब एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का ही वर्क नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करने का ही वर्क नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ ये क्या करने का काम करता है, तो जो भी डेटा लार्ज साइज में उसको
रिड्यूस करने का भी वर्क करता है। कनेक्ट मतलब ज्यादा डेटा है तो उसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस वाले में डेटा जो आपका एनालॉग डैश में है, जो डेटा रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो किसका यूज किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, तो एनालॉग डैश में जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो एक मेनली पर्पस से यूज होता है क्या, तो डेटा रिडक्शन के लिए। मान लिया जाए ज्यादा एमबी का है कोई भी डेटा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काइन मास्टर के हेल्प से क्या करते हैं, ज्यादा एमबी के डेटा को, मतलब वीडियो वगैरह सबको, एक हमारा डेटा वही रहता है उसका साइज को क्या किया जाता है, रिड्यूस कर लिया जाता है, उसका एमबी को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो यूज होता है वो एनालॉग कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा रिडक्शन का भी काम करते हैं। इस वाले हेल्प से हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करने का ही नहीं, इसको हम लोग डेटा रिडक्शन करने का भी वर्क करते हैं। करने का मतलब ये रिकॉर्ड करने के साथ साथ इससे डेटा रिडक्शन का भी वर्क किया जा रहा है। हम इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हाई स्पीड कैमरा एंड टीवी इक्विपमेंट, टेलीविजन इक्विपमेंट में आप लोग समझ रहे हैं, टेलीविजन टाइप के जैसे सीसीटीवी वगैरह कैमरा, ये सब जो है वो क्या है, इसी में आता है। तो हाई स्पीड कैमरा क्या है रिलेटेड, हाई स्पीड कैमरा का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, इस पर्पज से करते हैं कि जैसे देखिए सीसीटीवी भी है, तो सीसीटीवी में एक अगर बेसिकली रूप से एक स्पीड से अगर ज्यादा रहे तो वो क्या होता है, वो अच्छे तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो हाई स्पीड कैमरा का यूज किया जाता है। उसमें कितना भी स्पीड में अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो उससे उसको कैच कर लेता है, अच्छे तरह से कैच कर लेता है, जिसको हमको विजुअलाइज करने में, मोनिटरिंग करने में कोई इसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। तो सीसीटीवी कैमरा विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, हाई स्पीड कैमरा फर्दर एनालिसिस के लिए, मतलब कि आगे उसका क्या है, उसमें किस तरह का बदलाव हुआ, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एनालॉग डैश के बारे में जाना, इसके मेन एलिमेंट के बारे में जाना और उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में जाना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, इसमें इसका ब्लॉक डायग्राम और इसके बेसिक एलिमेंट के वर्किंग को समझेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट आपका, ये फर्स्ट वीडियो है इस यूनिट का, डैश का, डेटा एक्विजिशन सिस्टम का, ये फर्स्ट यूनिट है। तो यहाँ से जो भी है ये इसको आप लोग अच्छे से समझ करके इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप बैठो वीडियो देखने के लिए गए तो पेपर पेन लेकर के बैठा करो, जो आपको नोट्स में पीडीएफ के माध्यम से मिलता है उसमें आपका जो कंटेंट होता है वो सेम टू सेम रहता है, पर मैं बताने के दौरान बहुत कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जैसे ये ऑब्जेक्टिव है वगैरह ये सब वो उसमें नहीं रहता, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम में प्रिपरेशन करने में समझ में, मतलब कि आपको हेल्प करेगा, और वीडियो देखिएगा तो आपको टॉपिक लिखने वगैरह इस समय हेल्प करेगा। तो वीडियो देखते समय पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठा करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए।